नमस्कार, मैं हूं सुदफ खान। आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं ये खास खबर। हथिन गांव टावर के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा में टीचरों के रहते विसेंद लगती नजर आने लगी है। इस स्कूल में कार्यक्रम के दौरान पलवल पुलिस अधीक्षक के पहुंचने पर छात्राओं ने अपनी समस्या बताई तो पुलिस अधीक्षक ने स्कूल समय में पुलिस की गश्त करवाने को कहा। शिक्षा मंत्री भले ही प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के दावे करते नहीं थक रहे, लेकिन सरकारी स्कूलों में सुरक्षा के अभाव आज भी छात्राएं भय के साए में स्कूलों में आती जाती हैं। स्कूल समय में जब टीचर भी रहते हैं, बावजूद इसके छात्रा अपने आप को असुरक्षित मान रही हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक सरकारी स्कूल के बारे में बताएंगे, जहां स्कूल के टीचरों ने तो इन छात्राओं की दबी जुबान को नहीं समझा, लेकिन इसी के चलते आज जिले के गाँव टावर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की गुस्साई छात्रों ने अपनी आप बीती पलवल पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम को उस समय सुनाई जब वे स्कूल में पहुंचे। स्कूल में शिक्षा पाने के लिए आने वाली इन छात्राओं की बातों को सुनकर पलवल पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम भी हैरान रह गए। इस मौके पर शिक्षा विभाग के अधिकारी अनिल शर्मा भी मौके पर मौजूद थे। छात्राओं ने पलवल पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम को बताया कि जब स्कूल समय में टीचर भी रहते हैं, तब भी स्कूल के परिसर व आसपास आवारा व शरारती तत्वों का आवागमन रहता है, जिसके चलते छात्राएं अपने आप को असुरक्षित मानती हैं। छात्राओं की बातों को सुनकर पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम ने स्कूल के कमरों और चार दीवारी का जायजा लिया, जहां कमरों के खिड़की व दरवाजे टूटे हुए मिले। पुलिस अधीक्षक ने मौके पर खड़े उटावर चौकी पुलिस को इस स्कूल की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए और छात्राओं को आश्वासन दिया कि पुलिस स्कूल समय में गश्त करेगी और बताया कि जब भी उन्हें कोई भी शरारती तत्व दिखाई दे तो पुलिस को सूचना दे। वहीं टीचरों को भी सख्त आदेश दिए गए कि छात्रों की सुरक्षा को लेकर वे सजग रहे। GPS towers and total 29 teachers are working in the GPS towers. So we have no lack of staff in the primary school, more than sufficient. कि स्कूल प्रशासन को अगर वह बच्चे रखती है तो हम भी वही करते हैं जो एसपी साहब ने जो हमारे सर क्या क्या शिकायत है बच्चों ने जो आपके सामने एक शिकायत की जो दो शिकायतें उन्होंने कही है। एक तो ये कही है कि भाई जो यहाँ पर जो है कमरों के जो ग्रिल वगैरह है वो टूटी हुई है, वो हमने सुनिश्चित की, लेकिन कितना हम कहते हैं सरपंच गाँव के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि गाँव के लोग जब तक नहीं कहेंगे को लोग उखाड़ कर ले जाते हैं। एक दूसरा आवारे बच्चों के बारे में कही है, उसके बारे में एसपी साहब ने बिल्कुल कह दिया है कि हम जो है दो या तीन गाँव जो इसके लगेंगे, जो आवारा किस्म के बच्चे हैं उनको एक दो गिरफ्तार करेंगे सर करेंगे, और हम अपने प्रशासन अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मैं खुद अपने टीचरों की ड्यूटी लगाऊंगा कि भाई जिस एरिया की तरफ से बच्चे आते हैं इधर से भी स्कूल के जो भी जो एरिया है स्कूल का उसमें हम टीचरों के हर घंटे के बाद ड्यूटी रखेंगे। सर जो स्कूल का स्टाफ है आज तक स्कूल के स्टाफ ने शिकायत आगे क्यों नहीं दी जो आज ये एसपी साहब के सामने समक्ष रखी गई है? देखो जी उनका फर्ज नहीं बनता बच्चों की। आप देखिए शिक्षा डिपार्टमेंट जो है उनके पास जितनी अपनी ताकत थी उन्होंने कोशिश कर ली। मैंने पहले कहा कि गांव के सहयोग के बिना ये चीज़ भी संभव हमारे लिए नहीं है, तो एसपी साहब जो है वो पुलिस को करने के बाद जैसे ही राउंड लगेंगे उसके बाद स्थिति पर काबू कर लिया जाए। सर जैसे देखा गया है कि उसमें मुख्य दरवाजे पे गेट भी लगा हुआ है, तो गेट क्यों नहीं लगा देते, क्यों अंदर किस तरह से आते हैं? जो गेट बिल्कुल लगता है, आप देखो स्कूल की चारों तरफ की बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है, उसके बावजूद भी बच्चा किधर से आ जाता है किधर से नहीं आते, अगर स्थिति है बाकी इसकी जांच भी हम करेंगे कि भी कौन आता है कौन नहीं आता है, और उसके बाद कार्रवाई अपने स्तर पर भी करेंगे और एसपी सर अभी कही गए। तो आप भी सर कहीं ना कहीं मान रहे हो जो स्कूली बच्चों की सुरक्षा में कहीं ना कहीं तो सेंध लगा हुआ है? देखिए मैं एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह रही है, एक तरफ कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। देखिए सुरक्षा के एग्जाम क्यों नहीं, सुरक्षा तो है बच्चों की, लेकिन कई बार मैंने कहा ना कि गांव के जब तक कि मौजूदा लोग और हमारा स्टाफ मिलकर इस चीज़ पर काबू कर सकता है, बदमाश किस्म का बच्चा तो कहीं से भी आ सकता है। सुनिए बच्चों ने सरेआम कहा कि मुख्य गेट से आते हैं और आवारा तरीके से यहाँ घूमते हैं, तो अध्यापकों ने आज तक कोई शिकायत नहीं? नहीं नहीं, उन्होंने ये कहा यहाँ घूमते हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी वो जैसे बच्चा मान लो छुट्टी के बाद गया है, अब हमें स्कूल परिसर की बात हुई है सर, बाहर की बात ही नहीं हुई। देखिए परिसर नहीं, आसपास आसपास खड़े रहते हैं लोग, आसपास का मतलब बिल्डिंग के पास या कहीं पर भी, तो पुलिस के जो कह दिया गया और पुलिस के सर के नज़रों में आ गए वो अपने आप इसके ऊपर काबू कर लेंगे। जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने यहाँ पे स्कूल में कुछ कम्पटीशन वगैरह रखे थे उसके पारितोषिक वगैरह इनाम वितरित करने थे, इसके लिए मुझे बुलाया। इसके साथ साथ बच्चों ने जो अपनी शिकायतें रखी हैं और जो जायज़ शिकायतें हैं मैं उनको संबंधित उच्च अधिकारी उन पर एक बार कन्वे करूँगा, ये बात ज़्यादातर बात जायज़ है। यहाँ इस स्कूल में स्टाफ की इतनी कमी नहीं है, मगर जो बेसिक दूसरी सुविधाएँ हैं
स्कूल में पानी भरना या स्कूल की चारदीवारी ना होना और आवारा गर्दी लड़कों का घूमना, उसके बारे में हम लोग अपने आप से कार्रवाई करेंगे। हम यहाँ पे गश्त कराना है, कोशिश करेंगे स्टार्ट से, ताकि यहाँ कोई आवारा लड़का आसपास दिखाई ना दे। फैक्टर है इसके, एक तो ये बच्चों का ड्रॉप आउट है, उस इलाके में ड्रॉप आउट ज़्यादा है कि बच्चे या तो जल्दी शादी कर दी जाती हैं या उनको पढ़ाते नहीं, उन पर जो शिक्षा में खर्च अनावश्यक माना जाता है। उसके अलावा दूसरा एक जो मुझे लगता है कि एक यातायात की प्रॉपर सुविधाएं ना होना, बच्चों को सुरक्षित तरीके से स्कूल में लाना और वापस ले जाना, उसकी सुविधा की थोड़ी कमी है। फिर तीसरा ये सुरक्षा का जो माहौल है, अगर कहीं आवारा गर्दी, दूसरे समाज में बच्ची को बाहर भेजने में एक लोग हिचकिचाते हैं इस इलाके के, तो लोगों को ये खुद से सोचना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। सर, बेटियों की सुरक्षा के लिए आपके विभाग की ओर से क्या प्रबंध किए? हम यहाँ पे क्योंकि चौकी उटावड़ में ही मौजूद है, तो मैं सुनिश्चित करूँगा कि कम से कम 2-3 बार यहाँ पे PCR आके मुलाजिम आके यहाँ पे एक बार चक्कर जरूर लगा के जाए।